जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु, जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थित। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंता महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के का मिले समाज सब पावे निज पद पावे निज पद सर्व शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रथम अधिकार, और प्रथम अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बतला रहे हैं टोडर मल्ल साहब। शिष्य प्रश्न कर रहा है कि महाराज पहले मोक्ष मार्ग को प्रकाशन करने वाले ग्रंथ तो उपलब्ध हैं, पहले से ही हैं, आप नवीन ग्रंथ क्यों बनाते हो? तो वहां उत्तर देते हुए समाधान करते हुए पंडित जी कह रहे हैं कि जिनके पास बड़े दीपक को जलाने की सामर्थ्य है, बड़ा उद्योग करने की सामर्थ्य है, वह तो बड़ा दीपक जलाए, लेकिन जिसके पास बड़ा दीपक जलाने की सामर्थ्य नहीं है तो वह अपना काम कैसे करे? इस बात को ध्यान में रखकर हमने छोटा दीपक जलाया है जिसमें थोड़े से तेल से काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जिसको न्याय व्याकरण का विशेष अध्ययन नहीं हो, जो नए प्रमाणादिक को अच्छे तरह से आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में उनकी अपेक्षा को सही नहीं निकाल पाता हो, ऐसे जीव के लिए सरल और सुगम शास्त्र बनाते हैं। क्या सरल और सुगम शास्त्र के उसमें उसको ज्यादा कुछ अपेक्षा नए प्रमाण ये उसको घटाना नहीं पड़े, कोई बहुत कठिन व्याकरण या न्याय ऐसे कोई नहीं, सीधा ग्रंथ वह पढ़े और उससे वह मोक्ष मार्ग प्रकट करे। इसीलिए हम सरल ग्रंथ बनाते हैं, है ना? ये सरल ग्रंथ बनाने का भाव। यद्यपि ये ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर पूरा होता तो लगभग ये 4000 पेज से कम का नहीं होता। कितने? 4000 पेज का सरल ग्रंथ। अब हो सकता है 200-300 साल में कोई और विशिष्ट विद्वान हो तो उसको भी ये लगे कि ये 4000 पेज ये या 400 पेज कठिन पढ़ते हैं, तो अब कोई 10-20 पेज की कुंजी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जीव के पास समय कहाँ है। अब वो देखो जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो अपन इसकी चर्चा करते हैं या जो पैराग्राफ टोडर मल्ल साहब ने लिखा है उस पर अपन थोड़ा सा विचार करेंगे। पेज नंबर 20 पैराग्राफ नंबर दूसरा आप में से किसी को पढ़ना है, एक पुरुष वर्ग से और एक महिला से, तेज आवाज में। पेज नंबर 20 है मेरे ग्रंथ में, पैराग्राफ नंबर दूसरा है, तेज आवाज में पढ़ना है, बहुत शांति से क्या कह रहे हैं टोडर मल्ल साहब अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे।
भाग्य की महिमा उनसे तो नहीं हो सकती, उसी की कौन है विचार करने पर अपने को समता आती है। देखो इस पैराग्राफ में तीन बातें कही टोडर मल जी साहब ने, तीन बातें अपन उसको धीरे धीरे तीनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शब्द लिया है बड़े दरिद्री, क्या शब्द लिया है बड़े दरिद्री, और उसी उदाहरण को और सपोर्टिंग देने के लिए एक और उदाहरण लिया है जैसे कोढ़ी। अभी बड़ा दरिद्री किसको कहते हैं और कोढ़ी किसको कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया ना। बड़ा दरिद्री कौन कहलाता है बाबू जी, वेरी पुअर, बहुत गरीब। किसको कहते हैं बहुत गरीब, जिसके पास खाने का रहने का कपड़े पहनने का कोई भी बाहर में व्यवस्था नहीं है वो कहलाता है बड़ा दरिद्री, ठीक है। और कोढ़ी किसको कहते हैं बाबू जी, कोढ़ कोढ़ हो जाता था ना पुराने जमाने में इलाज, अब तो ये साध्य हो गया रोग है ना, कुष्ठ रोग साध्य है ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था इस बीमारी में शरीर के अंग गलते जाते थे ऐसा होता था ना, और बदबू आती थी भयंकर, मतलब ये बीमारी पूरी जो बाहर का जो शरीर है उसके अंग गलते थे, उसके पास कोई जाता नहीं था क्योंकि उसके पास जाए तो उसके भी बीमार होने का डर लग जाता था, ठीक है। और शरीर से आती थी भयंकर बदबू और शरीर गलता जाता था, ठीक है, वो कोढ़ समझ गए ना, ठीक है। अब कोई कोढ़ी यानी जिसके शरीर में ये बीमारी हो, ठीक है। अब दो प्रकार की यहां औषधि की बात करी टोडर मल्ली साहब ने, एक जगह तो शब्द लिया है अमृत और एक जगह शब्द लिया है अवलोकन मात्र चिंतामणि, है ना, मिल गया ना ये शब्द आपको, ठीक है। अभी मैं चिंतामणि क्या होता है पहले ये आपसे पूछना चाहता हूं, फिर अवलोकन मात्र चिंतामणि ये और कौन सी नई चीज ले आए टोडर मल्ली साहब, है ना। आप बारह भावना में पाठ करते हैं ना कि क्या कल्प तरु और चिंतामणि एक भव सुखकारी है, ऐसा नहीं बोलते आप बारह भावना का पाठ करते समय, बोलते ना धर्म भावना में क्या बोलते बाबूजी, कल्प तरु और चिंतामणि एक भव सुखकारी है और धर्म, अरे आप बारह भावना भी आपने मुझे लगता है अच्छे से पढ़ी नहीं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। कल्पतरु मतलब किसको बोलते हैं कल्पतरु, कल्प वृक्ष कहां होते हैं कल्प वृक्ष, स्वर्ग में होते हैं कल्प वृक्ष, है ना, और यहां पर भोग भूमि होगी तब भी यहां कल्प वृक्ष होंगे, है ना। तो क्या होता है बाबूजी कल्प वृक्ष में, दस प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, उनके नीचे जाओ और आपको मांगो कि आभूषण तो आभूषण मिल जाएंगे, भोजन वाले के नीचे जाओ तो भोजन मांगो तो भोजन मिल जाएंगे, वस्त्र वाले के नीचे जाओ और वस्त्र मांगो तो वस्त्र मिल जाएंगे। तो कल्प तरु कल्प वृक्ष कितने कि जब तक आप उस पर्याय में हो जैसे देवगति में हो या आप यहाँ भोग भूमि में आपका जन्म हुआ उतने समय तक तो आपका काम चल जाएगा, और उसके बाद फिर वहां से चले गए आपके दूसरी गति में है फिर क्या होगा, तो वही बात खत्म, ठीक है ना। और चिंतामणि किसको कहते हैं भाऊ जी, चिंतामणि का तो उदाहरण सुना होगा ना आपको, है ना, एक आपके पास चिंतामणि रत्न है, अब आपको यहां से जाना है शिखर जी की यात्रा करने के लिए तो क्या क्या सामान ले जाना है, अरे बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, कपड़े खाने के सामान पैसे ओढ़ने बिछाने का है क्या क्या ले जाना है, वहां आगे से एडवांस रहने की व्यवस्था करनी क्या करना है बाबू जी आपके पास अगर चिंतामणि हो तो है, नहीं उस चिंतामणि किसको कहते हैं पता है आपको, कि वो जो चिंतामणि जो रत्न है ना उसको हाथ में लो और विचार करो क्या कि मेरे ये चाहिए तो वो हो जाता है, है? वो उपलब्ध हो जाता है ना, अब वो भी एक भाव का ही लाभ है उसको जब तक रहेगा तब तक। देखा कि नहीं बाबूजी आपने चिंतामणि अभी तक देखा कि नहीं, देखा आप नहीं तो बताओ हाँ जी हाँ ना जी है, अभी सब आप अपनी बात पे कायम रहना हो, है ना। चिंतामणि किसको कहते हैं समझ में आ गई आपको बात, है चिंतामणि के लिए एक और बारह भावना में आपने पाठ करा होगा कि चिंतामणि और कल्पतरु में एक समस्या और है,
एक भाव की तो सुख देने वाली है, लेकिन एक समस्या ये और है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मांगना पड़ता है और चिंतामणि को हाथ में लेकर वो विचारना पड़ता है। और धर्म के केस में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली 12 भावना भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? है क्या है? मुझे कवि का नाम पता नहीं है, लेकिन आपने धर्म भावना में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? भाव जी क्या, दो तरह से चलती है बात। एक तो मैंने आपको सुनाई दी, क्या कल्पतरु और चिंतामणि एक भव सुखकारी है, ये तो सुना ना आपने, नहीं सुना? अरे हाँ जी हाँ ना जी, कुछ तो बोलो। 12 भावना तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो क्या आप ऐसे ही? क्या एक 12 भावना में ये एंगल दिया है क्या कि कल्पतरु और चिंतामणि एक भव अवतारी है? और एक 12 भावना में ये प्रॉब्लम खड़ी करी कि कल्पतरु हो या चिंतामणि हो, उसको कल्पतरु के नीचे जाना पड़ता है, चिंतामणि को हाथ में लेके विचारना पड़ता है, तब सामान मिलता है। आई बात समझ में? और धर्म के केस में है? धर्म के केस में है? तो उसके लिए तो नाच, उसके लिए विचार नहीं करने की याचना थोड़ी करनी पड़ती है, है? बिन याचे, बिना याचना से मिलता है ना? वो वहां एंगल है धर्म भावना का। मुझे वो अभी 12 भावना नहीं पढ़ानी, मैं तो आपको वो जो ये दो शब्द है ना 12 भावना में, जनरली आप चिंतामणि कल्पतरु ये आते हैं शब्द, तो आपको भाव क्या पकड़ते हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा करी। यहाँ टोडरमल जी साहब ने चिंतामणि के साथ एक और उसकी विशेषता डाली है। किसकी विशेषता डाली है भाव जी? चिंतामणि की। वो चिंतामणि क्या है? अवलोकन मात्र चीज, अवलोकन चिंतामणि। ये क्या नई बीमारी आ गई? चिंतामणि तो हमारे समझ में आ गई थी, हमारे समझ में चिंतामणि तो आ गई थी, और ये है अवलोकन चिंतामणि। ये क्या चक्कर है बाबूजी, चिंतामणि और अवलोकन चिंतामणि? पहले चिंतामणि तो समझ गए ना, चिंतामणि किसको कहते हैं? क्या कि एक प्रकार का मान लो रत्न, एक प्रकार की जो सामग्री जिसको आप हाथ में रखकर विचार करोगे वो सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना? ठीक है, वो है चिंतामणि। देखा कि नहीं देखा बाबूजी आपने चिंतामणि आज तक? अरे हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोलो। है, है? नहीं देखा? हाँ, सब फेलियर हो आप। है, अब टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की विशेषता में एक सुंदर शब्द डाला है, अवलोकन चिंतामणि। अवलोकन मतलब इस चिंतामणि को हाथ में नहीं रखना है बाबूजी, इस चिंतामणि को क्या नहीं करना है, हाथ में नहीं रखना है, घर की अलमारी में नहीं रखना है। किसकी चिंतामणि को? अपने पास है कि नहीं चिंतामणि, ये बताओ कहाँ है? कहाँ है? अरे साहब घर रखी है, है? घर में है, अलमारी के अंदर नहीं है? तो यहां जो दो एंगल दे रहे हैं बहुत सुंदर एंगल है कि जो महादरिद्री है, महादरिद्री मतलब जो बाहर में जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसको कुछ ऐसी निधि मिल जाए कि उसकी उस निधि की तरफ देखे और विचार करे और उसकी दरिद्री मिट जाए और वो नहीं देखे। बाबूजी पहले से तो उसके घोर पाप का उदय क्या है, क्या है कि उसके दरिद्री है। दरिद्री है मतलब समझो कि बाहर में कुछ सामग्री नहीं है। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना आपको? अरे बहुत सुंदर सुंदर तर्क है यहां पर। एक तो है वो दरिद्री, दरिद्री किसको कहते हैं बाबूजी? दरिद्री किसको कहते हैं कि जिसके बाहर में पाप का उदय इस प्रकार का है कि उसके संयोग में न तो भोजन की व्यवस्था है, न वस्त्र की व्यवस्था है, न उसके रहने की व्यवस्था है, है ना? वो है दरिद्री। ठीक है, ऐसे दरिद्री को यदि ऐसा अवसर मिले क्या कि एक रत्न को देखे, अवलोकन चिंतामणि उसका नाम है, उसको देखे और उसको देखने से ही इसकी दरिद्री मिट जाती हो, इसकी दरिद्री समाप्त हो जाती हो और
वह देखे नहीं। क्या क्या करे वो बाबूजी? तो ये उदय खतरनाक है कि नहीं देखे वो खतरनाक है? अरे हाँ जी अन्ना जी, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको? टूटन मल्ली साहब का एंगल पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? क्या एक दरिद्री है तो उसके तो पाप का उदय है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको ऐसा अवसर मिले, कैसा अवसर मिले कि वह अवलोकन चिंतामणि देखने का अवसर मिले। अवलोकन चिंतामणि किसको कहते हैं? हाथ में नहीं लेना है उसको। हाँ, वो क्यों हाथ में नहीं लेना है उसकी तो चर्चा मैं सेकंड फेज में करूंगा। हाँ, हाथ में नहीं लेना है इसको। क्या उसको देखकर उसकी तरफ देखे और उसकी दरिद्री मिट जावे। और बाबूजी वो नहीं देखे तो ये खतरनाक उदय है कि ये खतरनाक उदय है? अरे हाँ जी अन्ना जी, आज बात पकड़ में आ रही है? अब इसमें आप रेशो डालो कितना खतरनाक। अजी भैया प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा। एक एक तो दरिद्री है, दरिद्री मतलब उसके वर्तमान में पाप का उदय है, और आपके शब्द में कहो घोर पाप का उदय है कि बाहर में कुछ भी सामग्री नहीं है, उसके रहने का नहीं, खाने का नहीं, कपड़े नहीं है, और बिल्कुल ऐसा है दरिद्री। उस जीव को ऐसा अवसर मिल जावे, कैसा अवसर मिल जावे कि वह अवलोकन चिंतामणि को, अवलोकन मतलब उस चिंतामणि की तरफ देखे और उसकी दरिद्री दूर हो जावे। दरिद्री दूर हो जावे, महल मिल जावे, वस्त्र मिल जावे, आभूषण मिल जावे, भोजन मिल जावे, सब मिल जावे। किधर? चिंतामणि की तरफ देखे तो अवलोकन, और वो नहीं देखे तो उसको बाबूजी क्या कहोगे? तो टोडर मल्ली साहब भी घबरा गए, बोले कि अब उसके अभागे की कैसा अभागा है मैं नहीं कह सकता। यहां तक तो अपने को समझ में आ रहा था पाप का उदय है, यहां तक तो हमारे समझ में आ रहा था कि भाई पाप का उदय है, लेकिन ऐसे जीव को क्या है अवलोकन चिंतामणि देखने का चांस मिले और नहीं देखे है, तो फिर अब वो उसको भाग्य की नहीं, अब उसके कैसा अभाग्य है मैं नहीं कह सकता, मतलब उनके पास शब्द नहीं है, ठीक है। ये तो है उदाहरण उनका, समझ में आया आपको? है? अरे हाजी या ना जी, उदाहरण ही है ना। अब मेरे को बताना है कि यहां दरिद्री कौन, दरिद्री का अपन अब सिद्धांत में घटाएंगे, दरिद्री किसको कहा? हाँ देखो, जिसके पास सहयोगसम कम है, जो मोक्ष मार्ग के आचार्य महाराज द्वारा लिखे गए शास्त्रों में उनकी अपेक्षाओं को अपनी बुद्धि से व्यवस्थित नहीं निकाल पाते हो, एक एंगल। जिसके पास अभी बहुत समय उपलब्ध नहीं हो कि वो इन शास्त्रों का गहराई से अभ्यास करके मोक्ष मार्ग प्रकट कर पावे है, जिसके पास बहुत सामर्थ्य नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो मतलब यहाँ सामर्थ्य पैसे से नहीं है, सामर्थ्य ये है बुद्धि और समय से, वो नहीं हो, तो ऐसा जीव है दरिद्री और वो महादरिद्री। तो अजीत भैया हम किस कैटेगरी में आए? अरे हाँ जी यार, हाँ जी यार बाबूजी, किस कैटेगरी में अपन? अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी है? कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में? दरिद्री की कैटेगरी में है कि नहीं है? अरे हाँ जी या ना जी, कुछ तो बोलो आप। है अब अपने को अवसर मिला है, क्या अवसर मिला है कि अवलोकन चिंतामणि अने मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखने का, देखने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो मोक्ष मार्ग प्रकट करने की विधि बताई है वो उसका अवलोकन करना है। आई बात समझ में? ग्रंथ हाथ में नहीं लेना है, घर में ले जाके नहीं रखना है, ये अवलोकन है ने, इसमें जो वस्तु स्वरूप बताया है, इतनी स्थिति हमारी खराब है कि हम न तो हमारे पास सहयोगसम है न हमारे पास सामर्थ है, ठीक है, और उसके बावजूद जितना हमारी स्थिति है उसके आधार से ऐसा ये ग्रंथ सुगम और सरल मिल गया है जिसमें मोक्ष मार्ग प्रकट करने की विधि बता दी है, और यह जीव उसको देखे नहीं है? 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 तो उसको 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 क्या शब्द दिया उसको टोटल मेरे सामने कि उसके अभाग्य की बात, उसके अभाग्य की बात मैं नहीं कहता है। अपने पास तो है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक,
है ना, घर में भी रख रखा है। बहू जी कितनी बार हो गया अपना स्वाध्याय? दो चार बार हो गया है, ठीक है ना, फिर तो काम हो गया ना अपना, क्यों क्या चक्कर है? हाजी या ना जी कुछ तो बोलो आप। कोड़ी, दूसरा उदाहरण लिया कोड़ी, कोड़ी यहां जो अमृत है ना, अमृत, अमृत मतलब उसके शरीर के समस्त रोग, कामदेव जैसा शरीर हो जाए सुंदर, अमृत पान करे और वो नी पिए, कौन कोड़ी है, पहले से तो उसका कोड़ है, ठीक है ना, शरीर के अंदर ऐसी वेदना है ना, असाता का प्रबल उदय है, ठीक है, और उसको ऐसा अवसर मिले कि कोई अमृत पिलावे और वो कहे कि मैं नहीं पीऊं, तो फिर आप क्या कहोगे? अरे वो कोढ़ है, वो तो बात समझ में आ गई, वो तो पाप का उदय, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक तो ये स्थिति है कि अभी पिलाए और अमृत नहीं पिए, ठीक है। तो बाबू जी अपने अपने अपन उस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे कि हमारे अभाग्य की महिमा वाली कैटेगरी में तो नहीं आएंगे अपन, हाजी या ना जी है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है फिर तो है। कुल मिला के टोडरमल जी साहब का कहने का यह है कि इस पंचम काल में कम बुद्धि के जीव, क्षयोपशम कम है, जिनको न्याय व्याकरण का विशेष ज्ञान नहीं, जो नए प्रमाणादि से आचार्य भक्त महाराज के द्वारा जो मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले ग्रंथ से यथार्थ उनके भाव को नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे जीव के लिए ये सरल और सुगम जो शास्त्र बनाया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसमें आपको बहुत ज्यादा न्याय व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इस टार्च को हाथ में लेकर और अपने रास्ते चलकर मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, ऐसा सुगम ग्रंथ बनाने पर भी कोई इसका अभ्यास करके अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करे, जो घोर अंधकार में ये दुखी हो रहा है, अपने दुख दूर करने का ये पुरुषार्थ नहीं करे, तो ऐसे जीव के अभाग्य की महिमा तो हम कह नहीं सकते, सिर्फ उसका विचार करके समता आती है, किसका, कि उसकी होनहार का विचार करके। ये शब्द यहां पर उन्होंने लिए, क्या होनहार का विचार बाबू जी, क्या? और अब आप जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कि राग में भी ये जीव थक जाता है ना, थक जाता है, फिर लास्ट में यही बोलता है अब छोड़ो जो होना होगा तो हो जाए। है बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए हमने एडमिशन दिलाया, नालायक पढ़ा नहीं, हमने ट्यूशन लगाई पढ़ा नहीं, उसके लिए एक दुकान खोल दी, पैसा जमा मुड़ी मुड़ी पूंजी दे दी, जमा जमाई दुकान दे दी, वो उसमें बैठता नहीं है, है? तो लास्ट में पिताजी हर थक के क्या है, क्या करो बाद में, भाव जी क्या करते हैं वो बाद में, छोड़ो अब ये समस्या है। लेकिन अपन क्या है भाव जी, उसकी भवितव्यता का विचार करके समता नहीं रखते हैं, हम समता कहां रखते हैं जगत में, क्या करते हैं बोलो आप, 24 घंटे परेशान, अब बेटा नहीं मानता तो अब चुपचाप समता रखो आप, लेकिन वो क्या करेंगे, इधर बैठेंगे, अरे नालायक मानता नहीं, उसको मैंने दे दिया, मैंने उसको दे दिया, मिथ्या कर्तत्व को पुष्ट करते हुए सिर्फ कसाई करके पाप बांधते और दुखी होते हैं, है ना, लोक में तो ऐसा ही होता है ना। अब टोडर मल्ली साहब ने बोले, ये उनका विचार था, विकल्प था उनका, कि जगत के जीवों में मंद बुद्धि के जीव बहुत दिखाई देते हैं, अब उनको कठिन शास्त्र से मोक्ष मार्ग प्रकट कर, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट कर पाए ऐसा हमको कम दिखता है, तो हम उनके लिए सरल ग्रंथ बना देते हैं, अब उसके बावजूद भी वो उसका अभ्यास नहीं करे तो क्या करे, कि उसकी भवितव्यता, उसकी होनार का विचार करके मात्र समता। बात समझ में आ गई आपको, सरल है बात तो, ठीक है। अब आप ये पैराग्राफ आप में से पढ़ो, ये किसके लिए लिखा है, किस एंगल से लिखा है, अपने को बहुत विचार करना है। देखो कितनी करुणा बुद्धि होगी उनकी, हैं? पिताजी की कितनी बुद्धि रहती है कि बच्चा हमारा ये काम लग जाए लग जाए, वो बच्चा समझे तब ना, नहीं। चलो पढ़ो आप में से ये पैराग्राफ, है ना। पेज नंबर 20, पैराग्राफ नंबर दूसरा। अब इसमें आपको कुछ कठिन लगता हो तो आप पूछना, कितना सरल और एंगल स्पष्ट है उनका। कौन पढ़ रहा है भाई? को
ठीक है। अब देखो उसी प्रकार, ये तो दो तो हो गए उदाहरण, है ना, दृष्टांत। अब आगे क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को, अब यहां कौन है संसार पीड़ित जीव बाबू जी, मैं, है ना, उसको सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने। मतलब बाहर में आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मिल गया, है ना, उसको समझाने वाले भी मिल गए, और वैसे इसमें समझाने की जरूरत क्या है, तो बहुत सरल ग्रंथ है, सबको सरलता से पकड़, कोई ये यहां बैठा हुआ कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे समझ में नहीं आता, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल आप अगर शांति से बैठकर विचार करेंगे, क्योंकि इसमें न तो आपको बहुत ज्यादा व्याकरण, न्याय, नय, प्रमाण, ऐसे निश्चय व्यवहार सब टोटल मिली साहब ने यहां स्वयं ने खुलासा खड़ा कराए प्रश्न को खड़ा करके, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, क्या यहां बैठे सभा में कौन हाथ ऊंचा करके बोल सकता है कि मैंने मौलिक रूप से इस ग्रंथ को स्वयं ने पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, पूरा पूरा ग्रंथ पहले से लेके लास्ट तक पूरा है? मौलिक अकेले ने बैठकर शांति से, हाँ, सभा की नहीं बात कर रहा हूं, दो। अब देखो बाबू जी, तो अब बाकी की अभागी की महिमा क्या करें, अभी टोटमली साहब अभी क्या करें, है? है? लो है? और क्या चाहते हो बताओ, आप और क्या चाहते हो, अभी ये 400 पेज के अलावा कोई 20 पेज की कुंजी बनेगी अब भविष्य में, अब देखेंगे कोई विद्वान के लगेगा कि अब तो टोटन मजी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब कोई इनको 20 पेज की कुंजी दो, और अब क्या करें, हाँ, 1 वीक सीरीज, 1 सप्ताह के अंदर काम हो। तो अब इससे मतलब अपने को क्या करना है ये बताओ, आप तो दो जनों को छोड़ के बच्चे लोगों को क्या करना है, अपने को उस पाले में जाना है कि टोडर बल्ली साहब कहते हैं कि बस इनके अभागी की महिमा हमसे नहीं हो सकती, अब तो इनकी बस ये जो बाहर की होनार देखकर कि कुछ अपने को चेंज करना है। अभी आप सब लोग यहाँ प्रतिज्ञा तो ले ही सकते हो क्या, कि मैं इस भाव के पूरा होने से पहले इस ग्रंथ का मैं शांति से स्वाध्याय करूंगा, मौलिक रूप से एकांत में बैठकर बहुत शांति से, रीडिंग नहीं करनी है। बात सरल है कि कठिन है? अरे हाँ जी या ना जी, कितने जने करेंगे अब मौलिक रूप से स्वाध्याय इसका, यूं बताओ आप, तो फिर तो मेरे को ये पंक्ति और घोटनी पड़ेगी आप लोग अपने अभागी की, अभी एक भी जना हाथ खड़ा नहीं कर पा रहा है क्या है? रीडिंग नहीं करनी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके अंदर जो भाव भाषण है वो तो अपने को पकड़ना ही, और इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई ये बोले कि मेरे समझ में नहीं आता ऐसा कोई यहां जीव नहीं है, सबको समझ में आएगी ये बात है। चले आगे, कौन क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार, किस प्रकार, उसी प्रकार दो उदाहरण दिए है ना, किसका उदाहरण दिया, महादरिद्री का और एक कोड़ी का, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को, किसको, मुझको, मैं कैसा हूं कि दरिद्री कोड़ी, और मुझे अभी उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश, कहां कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ठीक है, और उसके पश्चात भी हम उसका अभ्यास नहीं करें, घर में ले जाके नहीं रखनी अलमारी में जिनवाणी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और काम हो जाएगा, इसलिए यहां टोटन मल्ली साहब ने कहा अवलोकन मात्र चिंतामणि है, यह हाथ में ग्रंथ रख के कुछ काम नहीं सकने वाला है, इसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो अब उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, फिर क्या कहते हैं, उसकी होनहार का ही विचार करके, अब तो उसके संसार में ही रखने का काल है, ऐसा विचार करके हमको समता आती है, अब उसके बाद भी यदि अभ्यास नहीं करे तो उसकी होनार का ही विचार करके हमको समता। सरल है, अर्थ समझ में आ गया आपको, चलो अब इसके आगे क्या, कौन पढ़ेगा दोहा, पढ़ो पढ़ो कोई है, थोड़ी सी तेज आवाज में सबको सुनाई दे,
साहिणे गुरु जोगे जे न सुनती धम्म वर्णाई ते दिट्ठ दुट्ठ चित्ता असुहड़ा भव भय विहुणा। साहिणे, साहिणे मतलब स्वाधीन, गुरु जोगे गुरु का योग मिलने पर, जेण जो नहीं, क्या स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर जो नहीं जेण सुनती सुनता है सुनते हैं धम्म वयणाई, वयणाई ने वचन, धर्म के वचन को स्वाधीन गुरु के योग मिलने पर जो नहीं सुनते हैं। सरल है बाबू जी, मैं अगर अर्थ कर रहा हूं तो आप में से सब अर्थ करेंगे, मुझसे सबकी हिंदी अच्छी होगी, आप जो बैठे हैं पक्की बात है, हिंदी भी अच्छी होगी, संस्कृत भी अच्छी होगी, प्राकृत भी अच्छी होगी, बोलो है कौन 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 पढ़ेगा, देखो अर्थ निकलता है ना सीधा ही सीधा है, कौन कौन बताएगा? साहिणे स्वाधीन, गुरु जोगे गुरु के योग से मिलने पर, जेण जो नहीं सुनती ही सुनते हैं, क्या धम्म वयणाई धर्म के वचन, ठीक है। तो वो कैसे हैं? एक इसका इस पंक्ति का अर्थ तो बता दोगे आप? चलो कौन बताएगा, आप ही बोलना है ये प्राकृत का और आप ही इसका अर्थ बताना, ठीक है, आप में से कोई एक जना बताए, फिर आगे का अपन दुआ पढ़ेंगे। उसके ऊपर वाली पंक्ति का, क्या अर्थ है एक एक शब्द का? हाँ ठीक है, ते ते अने वे है ना, या इसमें देखो ऐसा दिट्ठ दुट्ठ चित्था, दिट्ठ अने मतलब दिट्ठ ने ढेटा नहीं बोलते थे हमारे उधर, ऐसा चलता है बाबू जी, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, हमारे एमपी में ये शब्द है, क्या बोलते आप है धीट, यहाँ धीट है ना, वही शब्द हमारे वहां शायद हो सकता है कि भाषा ऐसी होगी ढेटा बोलते हैं क्या है ना, जो बहुत बार कहने पर भी नहीं करता काम, ऐसा है ना, ऐसा कॉमन चलता है वहां हमारे गांव में, ये बोलते ही है मतलब है वो है, यहाँ क्या बोलते हैं है? यही बोलते हैं शब्द है, ठीक है। नहीं यहाँ अगर वो शब्द दूसरा धीट बोलते हो तो बात अलग है, है? हाँ वो मतलब वो शब्द क्या समझ गया ना, हाँ अब ये जो नहीं मानता है ना दिट्ठ, और फिर दुष्ट है, दुष्ट चित्त वाला, ठीक है, ते अने वो है अह सुहड़ा भव वही विहुणा, इसका मतलब क्या है? हाँ क्या है? भव भय विहुणा, भव भय संसार भय से निडर है, डर उसको संसार का भय नहीं है, है ना। अब कौन बताएगा इसका अर्थ? अभी फिर अपन इसको स्वाधीन किसको कहते हैं, स्वाधीन गुरु योग क्या है, अपन इसकी तो चर्चा अभी करेंगे, है ना। चलो एक काम करो, आप नीचे की अर्थ पढ़ लो, उसके बाद अपन फिर इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन पढ़ेगा नीचे अर्थ? हाँ वे बड़े सुभट है, सुभट मतलब बाबू जी है योद्धा है, कैसा कैसे योद्धा है, या लिखा है ना सुहड़ा सुभट योद्धा है, क्यों कि जो संसार भय से नहीं डरे, तो उनसे कौन कौन डर गए, तो यहाँ तो उदाहरण है वो जब अर्थ करते हुए कहा कि जिससे तीर्थंकर भी डर गए, ठीक है, है? सरल है अर्थ। अब आप में से कौन पहले अर्थ बता दे, फिर अपन स्वाधीन गुरु योग क्या होता है, तीर्थंकर किससे डर गए, क्या प्रॉब्लम थी तीर्थंकर भगवंतों को, ये अपन सब उसकी चर्चा कल करेंगे, है ना। क्यों डर गए ना बाबू जी तीर्थंकर? अपन नहीं डर रहे हैं ना, अपने उनके तीर्थंकर भगवंतों के पाप का उदय था क्या, है क्या था उनके, है
तो फिर कहीं से डर गए वो है? अरे अब संसार में भी स्पेसिफाइड करो आप है, कहीं उसको भी स्पेसिफाइड करो आप, क्यों किससे डर गए बाबूजी? पुण्य के उदय से डर गए, शरीर सहनन बाहर में सामर्थ सब कुछ सही थी उनकी, तो भी उन्होंने छोड़ दिया। और अपन क्या चल रहे हैं? वो उसी को थोड़ा सा उदय है तो या तो फेल रहे हैं या उसी की चाह कर रहे हैं, है ना? करेंगे अपन चर्चा इसकी, बहुत एंगल। स्वाधीन किसको कहते हैं? स्वाधीन मतलब ये जीव जब भी सुखी होगा अपने से होगा, ये बात यदि कोई गुरु ने बताई ऐसा योग मिल जाए, आई बात समझ में, वो स्वाधीन गुरु योग है। पर से कभी जीव सुखी नहीं होगा, ऐसा उपदेश सुनने को मिल जाए और उसके बाद भी इसका पर का लक्ष्य नहीं टूटे। अरे पर के लक्ष्य से सिर्फ दुखी होने के अलावा, कर्म बंध के अलावा मिलता क्या है? शरीर पे लक्ष्य करो, उदय पे लक्ष्य करो, पाप पुण्य पे, कर्म जिस पे भी लक्ष्य करो उससे दुखी के अलावा, एक अपना शुद्धात्मा लक्ष्य में हो, ऐसी बात सुनने मिल जावे और वो नहीं सुने तो वो सुभट योद्धा है, उसको संसार का भय नहीं है। चलो भाई पहले तो अर्थ बताओ, कल करेंगे इस पंक्ति, बहुत सुंदर दुआ है, इसकी चर्चा कल करेंगे। इसका सिर्फ आप ऊपर ये अर्थ बता दो, समय भी हो गया जो है ना, साहिणे गुरु जोगे, या मैं बोलता जाऊं आप बताते जाना, साहिणे स्वाधीन गुरु जोगे, गुरु के योग से जेण जो नहीं सुनती है, सुनते हैं धम्म वयणा ते धित दुष्ट चित्ता चित्त वाले अह सुहणा भव भय विहुणा। ठीक, अब कल इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी और फिर ये अधिकार अपना समाप्त होगा। ठीक है, आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस ग्रंथ का तो आप शांति से बैठकर मौलिक स्वाध्याय जरूर करें, हैं?